हेलो फ्रेंड्स, आपका सरकारी रोजगार डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्ष है और माफ़ी चाहता हूँ कि पिछले 2-3 सप्ताह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और न ही आपके सवालों के जवाब दे पाया, क्योंकि मुझे फीवर था और वीकनेस भी थी। और दोस्तों, इस बीच आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं वैकेंसी लेके आया हूँ, NIT की भर्ती की वैकेंसी है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको आगे भी लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे बताया कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ NIT की वैकेंसीज के बारे में। NIT हमीरपुर की वैकेंसी है दोस्तों। इस वैकेंसी के लिए आप इंडिया में कहीं से भी मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और आइए बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। पहली वैकेंसी दोस्तों टेक्नीशियन की है और इसमें टोटल 23 वैकेंसी हैं। इन सब का डिटेल सामने दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं। और जहाँ तक स्केल और पे की बात है, तो इसका पे स्केल 5200 से लेके 20200 है और इसमें ग्रेड पे 2000 रुपये है। जहाँ तक एज लिमिट की बात है, तो 27 साल एज लिमिट दे रखी है और क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन। और ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है रेलिवेंट फील्ड में होनी चाहिए। दूसरी वैकेंसी दोस्तों सीनियर टेक्नीशियन की है और इसमें 11 वैकेंसी है। इसका डिटेल भी सामने दे रखा है और इसका स्केल ऑफ पे 5200 से लेके 20200 है और इसमें भी ग्रेड पे 2400 रुपये है। और जहाँ तक एज लिमिट की बात है, तो 33 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और इसमें क्वालिफिकेशन दोस्तों डिप्लोमा मांगा गया है इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन और ये आपकी क्वालिफिकेशन रिलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए। तीसरे नंबर की वैकेंसी दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट की है और इसमें टोटल 18 वैकेंसी है। इनका डिटेल सामने दे रखा है। और जहाँ तक स्किल ओ पी की बात है, तो इसमें 9300 से लेकर 34800 इसका स्किल ओ पी है और इसमें ग्रेड पे 4200 रुपये दोस्तों और एज लिमिट 30 साल है। और जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है, तो इसमें फर्स्ट क्लास और इसके बराबर ग्रेड की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, BBTech MCA होनी चाहिए दोस्तों इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में। तो दोस्तों चौथे नंबर की वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की है। इसमें टोटल 2 वैकेंसी है और जहाँ तक एज लिमिट की बात है, तो इसमें 30 साल की एज लिमिट रखी गई है और इसमें स्केलों पे 9300 से लेके 34800 है और इसमें ग्रेड पे 4200 रुपये है और इसमें क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास BE या BTech मांगा गया है इन सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। दोस्तों पाँचवीं वैकेंसी है SAS असिस्टेंट की और इसमें टोटल 2 वैकेंसी है और इसका स्केल ओ पे 9300 से लेके 34800 है और इसमें ग्रेड पे 4200 रुपये है। एज लिमिट 30 साल रखी गई है और जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है, तो इसमें फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट। और इसमें साथ साथ लिखा गया है कि स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड होना चाहिए पार्टिसिपेशन का इन स्पोर्ट्स, ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म, पेंटिंग, फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, इवेंट्स मैनेजमेंट में। छठे नंबर की वैकेंसी दोस्तों लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की है। इसमें टोटल 2 वैकेंसी है और इसका स्केल ओ पे 9300 से लेके 34800 है और इसका ग्रेड पे भी दोस्तों 4200 रुपये है और इसमें एज लिमिट 30 साल दे रखी है। और जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है, तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री मांगी गई है दोस्तों इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में। और बाकी डिटेल दोस्तों सामने दे रखा है। सातवें नंबर की वैकेंसी दोस्तों फार्मासिस्ट की है। इसमें एक वैकेंसी है और जहाँ तक स्किल ओ पे की बात है, तो 52000 है इसका, 52000 से 20200 और इसका ग्रेड पे 2800 रुपये है दोस्तों। एज लिमिट 27 साल रखी गई है और क्वालिफिकेशन इसमें 10+2 इन साइंस मांगा गया है। सब्जेक्ट्स आपकी PCB या PCM के होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन में लिखा गया है कि 2 ईयर्स डिप्लोमा विथ फर्स्ट क्लास फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकोगनाइज बाई द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विद मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आठवें नंबर की वैकेंसी दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की है और इसमें 7 वैकेंसी हैं और इसका स्केल ऑफ पे 5200 से लेके 20200 है और इसमें ग्रेड पे 2000 रुपये है और एज लिमिट 27 साल है दोस्तों। और जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है, तो इसमें 10+2 सीनियर सेकेंडरी की क्वालिफिकेशन मांगी गई है और साथ ही साथ आपके पास मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग तथा स्प्रेडशीट में। और बाकी डिजायरेबल
डिटेल्स दोस्तों सामने दे रखा है। और जहाँ तक नवी वैकेंसी की बात है तो इसमें पोजीशन का नाम सुपरिंटेंडेंट है, इसमें 5 वैकेंसी है। और जहाँ तक स्किल ओ पे की बात है तो इसका स्किल ओ पे 9,300 से लेके 34,800 है और इसका ग्रेड पे 4200 रुपये है। एज लिमिट 30 साल रखी गई है। और जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री मांगी गई है या इसके बराबर की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और दोस्तों बाकी अल्टरनेट क्वालिफिकेशन के डिटेल भी सामने दे रखा है। तो दोस्तों इन पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1,000 रुपये है तथा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी तथा वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। इस पोजीशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है इसका डिटेल पेज नंबर 17 में दे रखा है, हाउ टू अप्लाई। आप दोस्तों 1 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक वेबसाइट की बात है तो इसकी वेबसाइट है http://recruitment.nits.ac.in। इसमें आप विजिट करने के बाद दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं और इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इसकी जो हार्ड कॉपी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको भेजनी है और इसके लास्ट डेट 10 नवंबर 2019 है दोस्तों। इसको आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भेजना है। तो फ्रेंड्स इनकेस आप इन वैकेंसीज में इंटरेस्टेड हैं तो इनकी जो जनरल कंडीशन है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनकेस आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको आगे भी लगातार मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।